मराठी फिल्म में पहली बार कर रही हूँ। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका मराठी फिल्म में? अभी तो कर ही रही हूँ, डब बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है और यंग डायरेक्टर हैं विशाल और जो कंपोजर हैं उत्कर्ष और उनके साथी भी जो हैं जॉय और एक और हैं, तीनों जने दे आर ऑल्सो यंग और आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद देम और लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कुछ जो ड वाला जो प्रोनंसिएशन है, बट उसके अलावा मैंने गाने का मतलब समझा, मेलेडी बहुत खूबसूरत है, फिल्म का थीम बहुत अच्छा है और जैसा कि विशाल ने मुझे बताया भी कि उनको फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हैं विद अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट देयर फिल्म, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग आई फील फॉर अ हॉरर फिल्म टू गेट दैट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अवार्ड एंड रिएक्शन टू द फिल्म। ओके, इसके लिए मराठी स्पेशली सीखी या फिर पहले से? नहीं, एक्चुअली मराठी तो सीखनी चाहिए, मैं इतने सालों से 26 साल से मुंबई में हूँ पर बस सोचती रह गई हूँ, समहाउ इट हैजंट हैपन्ड। तो पहले भी मैंने गाया है मराठी फिल्म में और दो तो मैंने मराठी पहले भी फिल्म्स में एक दो फिल्मों में गाया है पर हर बार सोचती हूँ जब गाना आता है कि अब सीख ही लूँगी, लेकिन रह जाता है और आई थिंक क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस जगह हम रहते हैं और वो जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग मुंबई में है बिकॉज हम यहीं पे काम से हमारी पहचान बनी है और मैं मुंबई को अपना पहला घर मानती हूँ इंस्टेड ऑफ दिल्ली और मुझे यहाँ की वाइब और सब अच्छी लगती है और शुरू से ये लगता है कि जिस जगह रहें वहाँ की भाषा ज़रूर आनी चाहिए, तो लगता है खरामा हरामा सीख ही लूँगी मैं और समझ मुझे अच्छी आती है लेकिन बोलने में मुश्किल होती है, छुटपुट बहुत ही कम बोल लेती हूँ, कांदा बटाटा ही बोल पाती हूँ। तो रेखा जी, जैसे कि हमने देखा कि आप हमेशा, हमने आपको हिंदी गाना गाते हुए देखा है जी और लोग जैसे कि काफ़ी पसंद करते हैं, तो मराठी गाने गाने की इसकी कोई खास वजह है? आप ओरिजिनल भी गा रही हैं जैसे कि मराठी गाने, तो उसकी एक्चुअली मैं तो हिंदी भी मतलब खुद तो नहीं जाती गाने के लिए, गाने आते हैं तो गाना मिलता है तो आप गाते हैं। सेम वे आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे विशाल उत्कर्ष दे वर ऑल वेरी क्लियर के जो प्रोड्यूसर हैं
उन्होंने भी कहा कि उनको शुरू से जैसे ही गाना बना तो ही वॉज़ वेरी क्लियर कि ये गाना मुझे ही गाना है. तो मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है ये कि मुझे इस लायक समझा कि मैं मराठी फिल्म में गाना गा सकूँ. मैं श्रीनिवास खड़े साहब के गाने बहुत सुने हैं मैंने, और उनका याची मनियानो मैं गाती भी हूँ. कई बार मैंने अवार्ड में भी गाया था, जी सिने अवार्ड्स के लिए भी. तो गानों से तो, गानों की तो कोई भाषा से कोई उसके कोई लिमिटेशन नहीं है म्यूज़िक की, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है. और मुझे मराठी फिल्मों का म्यूज़िक ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ एक गायकी, एक जो हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक का अंग है वो अभी भी इस्तेमाल होता है. तो ये गाना बहुत अच्छा है. और इनफैक्ट और भी दो गाने हैं जो और डिफरेंट कंपोजर्स के, डिफरेंट फिल्म्स के, जो मैं गाने वाली हूँ. तो ओके, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग मानती हैं आप, जैसे कि आपने बोला कि यार कि मैं मराठी समझ लेती हूँ, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप वो गा रही हैं, तो हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है या थोड़ा मुश्किल? एक दो जो लेटर्स हैं फोनेटिकली उनकी थोड़ी मुश्किल होती है, वरना मराठी तो संस्कृत से उपजी हुई भाषा है, तो काफ़ी आसानी से बोला जाता है. बाकी सब जैसे स को जो स बोलते हैं वो समझ आ जाता है, सिर्फ जो ड जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है, जो ऐसा वाला ड होता है ड. क्योंकि मैं गंधर्व महाविद्यालय में सीखती थी म्यूज़िक बचपन से, और वहाँ पे जो भाई जी विनय चंद मुद्गल जी थे, तो हम लोग पूना और काफ़ी जगह ट्रैवल करते थे, वो मराठी में पेपर पढ़ते थे, क्योंकि भाभी जी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, तो वो हमें वो पेपर दे देते थे पढ़ने के लिए कि आप उसे पढ़ें. तो दैट्स व्हाई पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में आसान है मराठी.